राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। श्रृंखला के पिछले भागों में आपने सुना कि सिद्धार्थ सत्य की खोज में जब वन में चले जाते हैं तो सद्धर्म के विपरीत मत के संचालक मार अर्थात कामदेव चिंतित हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि सिद्धार्थ मोक्ष के लिए तपस्या करें। वो उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। अब सुनिए आगे की कहानी। इस भाग का शीर्षक है बुद्धत्व प्राप्ति। मार और मार की सेना को धैर्य और शांति से पराजित करके शाक्य मुनि ने परम तत्वों को जानने की इच्छा से ध्यान लगाया। ध्यान की समस्त विधियों पर पूरा अधिकार प्राप्त करने के बाद रात्रि के प्रथम प्रहर में उन्होंने अपने पूर्व जन्मों की परंपरा का स्मरण किया। मैं कहां कहां कब कब अवतीर्ण हुआ हूं। इस प्रकार उन्होंने सहस्रों जन्मों का प्रत्यक्ष स्मरण किया। अपने उन अवतारों में उन्होंने जो दया कर्म किए थे और जिस प्रकार मृत्यु प्राप्त की थी उन सब का प्रत्यास्मरण किया। उन्हें अनुभूति हुई कि ये सारा संसार केले के गर्भ के समान नितांत निस्सार है। द्वितीय प्रहर में उस महामुनि ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए। उन्होंने नीच ऊंच कर्म करने वाले प्राणियों के उत्थान पतन का प्रत्यक्ष अनुभव किया जिससे उनकी दयालुता और भी बढ़ गई। उन्होंने पाप कर्म करने वालों की नारकीय वेदना और पीड़ा का अनुभव कर दुख का साक्षात्कार किया। उन्होंने देखा कर्म बंधनों में बंधे हुए प्राणी किस प्रकार दुख भोगते हैं पर मर नहीं पाते, और जब मरते हैं तो कैसे ये प्राणी निम्न योनियों में पुनः जन्म ग्रहण कर दुख भोगते हैं। उन्होंने अनुभव किया कि संसार में छोटे बड़े सभी जीव भूख और प्यास जनित दुखों से पीड़ित हैं। कुछ जीव हैं जो नरक के समान गर्भ नामक सरोवर में गिरकर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर दुख भोगते हैं। कुछ जीव हैं जो पुण्य कर्म करके स्वर्ग जाते हैं और वहाँ काम की ज्वाला में जलते हैं और तृप्त होने के पूर्व ही स्वर्ग से गिर जाते हैं। उन्होंने जन्म जरा और मृत्यु के मूल कारणों का साक्षात्कार किया। उन्हें लगा जैसे वायु के योग से अग्नि का एक कण भी सारे वन को जला देता है, वैसे ही तृष्णा युक्त काम कर्म रूपी जंगल को जलाता रहता है। उन्होंने ध्यान में समझा कि तृष्णा का मूल कारण वेदना संवेदना है जो इंद्रियों वस्तुओं और मन के संयोग से उत्पन्न होती है। उन्हें बोध हुआ कि अविद्या के नष्ट होने पर ही संस्कार क्षीण होते हैं।
और परम पद का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्हें प्रतीति हुई कि उन्हें अब पूर्ण मार्ग का ज्ञान हो गया है। रात्रि के चतुर्थ प्रहर में जब सारा चराचर जगत शांत था, महाध्यानी मुनि ने अविनाशी पद प्राप्त किया और वे सर्वज्ञ बुद्ध हो गए। ये जानकर देवता और ऋषिगण उनके सम्मान के लिए विमानों पर सवार होकर उनके पास आए और अदृश्य रूप में उनकी स्तुति करने लगे। ध्यानावस्थित होकर महात्मा बुद्ध ने जीवन मरण के कार्य कारण संबंधों को भली भांति जान लिया था और मुक्ति प्राप्त कर ली थी। इस मुक्तावस्था में वे 7 दिनों तक बैठे रहे। तभी उन्हें जगत को बोध प्रदान करने की अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण हो आया। तभी 2 देवता आए और उन्होंने निवेदन किया, हे भव सागर को पार करने वाले मुनि, आप इस दुखी जगत का उद्धार कीजिए। जैसे धनी धन बांटता है, वैसे ही आप अपने गुण और ज्ञान को बांटिए। महात्मा बुद्ध ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की। तभी अन्य दिशाओं से देवतागण आए और उन्होंने महामुनि को भिक्षा पात्र दिया। निकट से जाने वाले एक सार्थवाह के 2 श्रेष्ठियों ने उन्हें भिक्षा प्रदान की। तब उन्होंने अराट और उद्रक का स्मरण किया, परंतु तब तक वे दिवंगत हो चुके थे। अतः उन्होंने उपदेश देने के लिए उन 5 भिक्षुओं को स्मरण किया जो उन्हें तप से भ्रष्ट मानकर छोड़कर चले गए थे। इस तरह संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाने के लिए महात्मा बुद्ध ने काशी जाने की इच्छा की। वे अपने आसन से उठे। उन्होंने अपने शरीर को इधर उधर घुमाया और बोधि वृक्ष की ओर प्रेम से देखा। संक्षिप्त बुद्ध चरित्र। इस श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। मूल कथा महाकवि अश्वघोष, आलेख प्रोफेसर माणिक गोविंद चतुर्वेदी, सहयोग प्रोफेसर अनिरुद्ध रॉय, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार मंजू मैनी और जितेंद्र राम प्रकाश, तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार, तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े, ध्वनिंकन दीपक पांडे और अमिता भट्टी, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा।